आगे में जानकी ने जो कमाल किया है वो कमाल बेमिसाल है, क्योंकि जानकी ने प्रीता को बचाने की पूरी कोशिश की है, यहाँ तक कि गुंडों को बेहोश किया है, गुंडों को मारने की कोशिश की है और पवन जो गुंडा है, राक्षस है, उसकी गर्दन पर चाकू डालते हुए अपनी प्रीता को बचाने की कोशिश की है। पर कहानी पलटेगी क्योंकि पवन जानकी को भी नहीं छोड़ेगा और वहीं आ जाएगी सृष्टि, या पीछे से सृष्टि को पता चलेगा कि घर में क्या चल रहा है। और वहीं आपको बता दे कि सृष्टि जब पहुंचेगी पवन से मिलने के लिए, तब सृष्टि के सामने प्रीता और जानकी की सच्चाई आएगी, जो जानकी और प्रीता किडनैप होगी और वहीं सृष्टि इन दोनों को बचाएगी और साथ ही बुलाएगी करण, ऋषभ और समीर को, जिसके बाद क्या कुछ होगा इन सब की डिटेल्स हम आप तक पहुंचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए। जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ।